हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर एम कुमार। और आज की जो मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो ट्रेन नंबर 2177 सियालदह न्यू अलीपुर द्वार पदातिक एक्सप्रेस में। बात करें इस ट्रेन की तो दोस्तों, ये ट्रेन एवरीडे सियालदह से रात के 11:20 पर प्रस्थान करती है और दूसरे दिन 12:25 पर न्यू अलीपुर द्वार पहुँच जाती है। इस दौरान ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करती है 719 किलोमीटर की दूरी 13:05 में तय करती है, विथ एवरेज 55 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों, मेरी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है। न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू अलीपुर द्वार तक होने वाली है मेरी ट्रेन जर्नी। और फिलहाल आज देख सकते हो आप, न्यू जलपाईगुड़ी में सुबह से ही बारिश पड़ रही है। आप देख सकते हो बारिश पड़ रही है। तो मेरी जर्नी आज होने वाली है इसी ट्रेन में। और दोस्तों, आज ये ट्रेन लगभग 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। न्यू जलपाईगुड़ी टाइमिंग थी 9:15 पर, दोस्तों ट्रेन लगभग 1:30 की देरी से चल रही है। और फिलहाल ट्रेन लगभग 10:45 में आएगी। 10 तो बज चुके हैं और लगभग 30-35 के बाद दोस्तों ट्रेन आने वाली है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल्स के वीडियो ब्लॉग्स में लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आज की जर्नी शुरू करते हैं। अनाउंसमेंट हो चुकी है और ट्रेन 1A पर आ रही है और ट्रेन लगभग 1:25 की डिले से यहाँ पहुंच रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पहली ट्रेन 1A प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हावड़ा का WF7 लोकोमोटिव के साथ ये NGP पहुंच रही है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बदल दिया जाएगा और यहाँ से डीजल लोकोमोटिव के साथ ये चलेगी वाया माथाबांगा होगी, क्योंकि ट्रेन वाया माथाबांगा होकर जाएगी। और दोस्तों, काफ़ी हवा चल रही है, आपको साउंड आ रहा होगा हवा का, काफ़ी ज़ोर से हवा भी चल रही है, ठंड भी कुछ ज़्यादा ही आज। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो बने रहिए, मेरी कोच सबसे पीछे। तो दोस्तों, मैं अपने सीट पे आ चुका हूँ और दोस्तों बाहर काफ़ी हवा चल रही है इसलिए विंडो बंद है, साथ में डोर वगैरह भी बंद कर दी गई है क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और साथ में हवा भी चल रही है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी से और दोस्तों बाहर हवा चल रही है इसलिए विंडो बंद है। तो चलिए मैं फटाफट आपको इस ट्रेन में कोचेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इस ट्रेन में आपको 5 प्रकार की कोचेस मिलेंगी, सेकंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, थर्ड AC और सेकंड AC। बात करें फेयर की तो सेकंड सीटिंग पर्सन 245 रुपये, स्लीपर पर पर्सन 420 रुपये, थर्ड AC पर पर्सन 1100 रुपये, सेकंड AC पर पर्सन 1550 रुपये और फर्स्ट AC पर पर्सन 2595 रुपये। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वॉशरूम में। सामने मिरर देख सकते हो और नीचे बेसन, इसमें पानी भी है और इधर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल बाथरूम की कंडीशन मिला जुला कर आप कह सकते हैं एवरेज में है।
ट्रेन पहुंच चुकी है जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पुट JPE स्टेशन को ओपन किया गया था 1914 में। यहाँ कुल 5 प्लेटफार्म है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन इसे ऑपरेट करती है और डिवीजन है अलीपुरद्वार और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई है, आप देख सकते हो प्लेटफार्म पूरी तरह से भीगी हुई है और हवा भी चल रही है। दोस्तों सामने जो आप दो ट्रैक देख रहे हो, एक धूपगुड़ी फालाकाटा होती हुई न्यू कुचबिहार जाकर मिलती है और दूसरी ट्रैक फिर फालाकाटा धूपगुड़ी होती हुई जलपाईगुड़ी रोड आकर मिलती है। यानी माथाबांगा जाने के लिए अभी जो आपने पीछे तीस्ता ब्रिज देखा, ब्रिज पार होने के बाद ही एक ट्रैक इधर मुड़ जाती है माथाबांगा की ओर, जो कि मैनागुड़ी रोड होते हुए जाकर न्यू कुचबिहार जाकर मिलती है माथाबांगा होते हुए। और ये ट्रैक दोस्तों इधर से धूपगुड़ी और फालाकाटा होते हुए जाकर वहाँ कुचबिहार में मिलती है। दोस्तों ट्रेन माथाभांगा पहुंचने वाली है और दोस्तों बाहर काफ़ी हवा चल रही है और ठंड भी इधर काफ़ी ज़्यादा ही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिस वजह से ठंड और बढ़ चुकी है। बाहर हवा भी चल रही है और माथाभांगा पहुंचते पहुंचते ट्रेन अब लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है फिलहाल ट्रेन। बुलेट बुलेट
ट्रेन पहुंच चुकी है माथाभांगा, स्टेशन कोड MHBA, यहाँ को लेक प्लेटफॉर्म है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे जोन इसे ऑपरेट करती है और डिवीज़न है अलीपुरद्वार, और यहाँ भी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों ट्रेन यहाँ भी लगभग 2 घंटे 20 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ भी काफ़ी ठंड है, हवा भी चल रही है काफ़ी ज़ोरों की, और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ऊपर से धूप भी नहीं है, साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चलिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए। ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू कोच बिहार, स्टेशन कोड NCB। स्टेशन को ओपन किया गया था 1966 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2021 में। यहाँ कुल 7 प्लेटफॉर्म है। नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटर रेलवे से ऑपरेट करती है और डिवीज़न है अलीपुरद्वार, और यहाँ भी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों यहाँ भी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे की देरी से पहुँची है, और ट्रेन लगभग 2.5 घंटे की देरी से ही चल रही है। चलिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों सामने से खुल रही है नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से कमख्या तक चलती है। और दोस्तों हमारी ट्रेन जबकि पहले आई थी और वो बाद में आई, फिर भी उन्हें पहले सिग्नल दिया गया। उनके जाने के बाद अब हमारी ट्रेन पीछे से जाएगी।
और ये ट्रेन भी लगभग 3.5 घंटे की ही देरी से यहाँ पहुँची है। शायद कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही है, और ये ट्रेन भी लगभग 3.5 घंटे की देरी से यहाँ पहुँची थी हिमकुंज बिहार। दोस्तों, ट्रेन न्यू अलीपुर द्वार पहुंचने वाली है, और ट्रेन अब 2.5 घंटे की देरी से चल रही है, और अब न्यू अलीपुर द्वार भी 2.5 घंटे की देरी से ही पहुंचेगी। शायद ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी दोस्तों देखा आपने 3.5 घंटे की देरी से कुछ बिहार पहुँची थी। अब लगभग में सारी ट्रेनें ही लगभग ठंड की वजह से शायद देरी से चल रही हैं।
से यहाँ पहुँचे हैं। चलिए दोस्तों, मेरी जर्नी यहीं तक थी। जर्नी आपको कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, फिर लेके आपके साथ।